चलाने वाला मेरा बड़ा तगड़ा आर्टिस्ट है, क्या बात है। अभी लाइसेंस रिन्यूअल होने वाला है, यहाँ पे लाइसेंस रिन्यूअल होता है आपका दिसंबर के एंड में और जनवरी और फरवरी में। और अच्छा खुशी को कैसा लगा पहले बता। बिलासपुरी धाम, कांगड़ी धाम, मंडियाली धाम, चंबियाली धाम, कांगड़ी धाम, सिड्डू, पत्रोड़े, मक्की की रोटी, साग, लस्सी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, क्या खाना। मासी का न्यू ब्लॉग में गाइज, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खुशी के साथ और अभी हम हैं लक्कड़ बाजार में, तो चलिए शुरू करते आज का ब्लॉग। तो गाइज ये है लक्कड़ बाजार की मार्केट और मौसम देखो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने बोला था ना आपको। हाँ गाइज खुशी बोल रही है, खुशी घोड़ा बैठेगी, हाँ अभी बैठेगी और सब कुछ कह देगी। गाइज खुशी बोल रही है कि मैं अब घोड़ा बैठूंगा, शेव भी करूंगी। मौसम देखो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखो तो छोला नहीं है शिमला है ये। और ये है लक्कड़ बाजार की आगे की मार्केट ऑकलैंड साइड, और यहाँ पे होटल मिल जाएगा आपको, कौन सा फ्लोरा होटल। लोग सोच रहे होंगे कि खुशी मेरे साथ है, तो आज क्या इंटरेस्टिंग होने वाला, आज बहुत ही खास होने वाला है। हाँ तो बहुत ही खास होने वाला है, तो पूरा ब्लॉग देखना। ये है लक्कड़ बाजार की मार्केट और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है भाई, बादल देखो आ चुके हैं। और यहाँ पे ना आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी लकड़ी बाजार। मैंने कहा था ना आपको कि जैसे लकड़ियों की चीज़ें होगी, ऊन की चीज़ें आपको बहुत मिलेगी, तो अब आपको दिखाएंगे इसके बाद फ्रिज का नज़ारा, पहले आप देख लो लकड़ी बाजार। लकड़ी बाजार घूम के हम आ चुके हैं और अभी हम हैं कहाँ, अभी हमें रिज पे, और वहाँ पे अभी खुशी खेल रही है और अभी इस पर्वत पे चढ़ेगी खुशी। तो आज का लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज है क्या है, आज है हमारी एनिवर्सरी, तो आप लोग हमें विश कर सकते हैं। अभी गीत और खुशी वहीं पे खेल रही है, देखो मम्मा वहाँ पे खड़ी खुशी की और खुशी वहाँ खेल रही है, और मौसम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको रिज का नज़ारा, अभी रिज का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पहले आप इस साइड का नज़ारा देखो, और ये पर्वत मैंने आपको पता क्यों दिखाया, क्योंकि बहुत जल्दी जब बर्फ़ पड़ेगी ना, तो पूरा का पूरा ना जब बर्फ़ हो जाएगी ना, तब देखना बहुत ऊँचा हो जाएगा ये। तो आज के लोग को पूरा दिखना भाई, पूरा का पूरा दिखना। तो गाइज खुशी अपनी फेवरेट जगह पे आ चुकी है, मम्मा पता लगा यहाँ से यहाँ को। गाइज ये इसकी फेवरेट जगह, और बहुत टाइम बाद आई है खुशी, कितने टाइम बाद आई उन्हें आप इसमें। हाँ वो गाइज वहाँ पे बलून उठ रहा है ना, उसको बोल रही है अभी बलून, कैसा लगा आपको। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम घोड़े पे बैठने, क्या हुआ खुशी बैठे ना घोड़े पे बैठे क्या। तो अभी खुशी और गीत बैठेंगे भाई, मैं बाद में बैठूंगा। और यहाँ पे छोटी सी हॉर्स राइडिंग होती है, अगर आप लोगों ने करनी है तो आप लोग कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग। इस तरीके से यहाँ पे बिठाया जाता है घोड़े पे, ये देखो एक पर्सन का 100 रुपये चार्ज लेते हैं, सिर्फ 100 रुपये, और आप अपनी मर्जी से ना, और आप अपनी मर्जी से घोड़े पे बैठ सकते हैं, चाहे ब्लैक वाला हो, चाहे रेड वाला, चाहे वाइट वाला। ये देखो खुशी बैठेगी ना, हाँ तो खुशी घोड़े पे बैठ रही, कौन सी घोड़े बैठेगी, इस पे बैठ रहेगा गाइस खुशी ना, खुशी और खुशी की मम्मा, कैसा लग रहा। कुछ नहीं लग रहा। खुशी को देखो, खुशी को देखो, तुम आ गया, कैसे जा रही खुशी। हाँ चल चल चल, ये देखो यहाँ पे ये देखो, अच्छा लगा। खुशी को कैसा लगा पहले बता, देखो पापा को कैसा लगा, बहुत अच्छा, तीसरी बार बैठ गया मैं इनके साथ। खुशी करती है जीत बैठने की। गाइस खुशी करती है ना जीत बैठने की। और गाइस यहाँ पे ना अब पहले लेते हैं 100 रुपये, अब लेते हैं 150 रुपये, मतलब एक पर्सन का, सिंगल पर्सन का, चाहे छोटा बच्चा भी हो ना तब भी 150 लेंगे। ये देखो इस तरीके से बैठ सकते हैं आप भाई हॉर्स पे ना, और अपने टूर को यादगार बना सकते हैं। इस पूरा राउंड लगा दिया, अभी जाएंगे लक्कड़ बाजार की साइड ना, और यहाँ बीच में रुकते हैं, जैसे आपने फोटो सेशन करना ना तब यहाँ पे रुकेंगे। पहले लेते थे गई थी ना 100 रुपये, अब लेते हैं 150 रुपये, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, क्राउड बहुत ज़्यादा है भाई। देखो और यहाँ पे भेलपूरी ना फेमस ही है,
अंकल जी यहाँ पे आपको भेलपुरी मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे अपनी मर्जी से आप होर्स ले सकते हैं। और वहाँ जा रहे अभी गीत ना लक्कड़ बाजार की साइड, एक पूरा राउंड गाएंगे परे से ना, तब आएंगे वापस और इसके बाद बैठूंगा मैं, तब आपको बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। घोड़े पे बैठे और मैं खुशी को पूछूं, खुशी कैसे लगा आपको घोड़े पे बैठ के? कितनी बार बैठे आप? दो बार। किस किसके साथ बैठे? किसके साथ? अच्छा अच्छा लगा। और तुम्हारे को? चलो चलो चल। प्रोसेशन हो चुका है और काफी देरी हमारे को यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अब जा रहे हम गाज गीत के बाद, नया फोन है तो बस एक बात नहीं कर रही। और मैंने इनको बोला ना कि मेरे घोड़े के साथ वीडियो बनाना, इन्होंने बनाई नहीं यार। बनाई तो है यार। नहीं बनाई गाइस, इन्होंने बनाई नहीं गाइस। अरे को आ गए, देखो भैया आ गए आगे से। और अब जा रहे हैं खुशी के लिए, दोबारा बैठ जाओ। हाँ अब जा रहे हैं हम आइसक्रीम खाने के लिए। क्या क्या करना पड़ता है? अब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, जाओ। अब यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे। खुशी आइसक्रीम खाएगी, कौन सी लेगी गाइस? जब अभी आप ना रिच भी हो ना तो यहाँ पे आकर आइसक्रीम जरूर खाना। गीत आइसक्रीम लाने, खुशू कौन सी आइसक्रीम खाएंगे? रुक जाओ आप, रुक जाओ। कौन ये वाली खाएंगे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये वाली आइसक्रीम खाएंगे। तो यहाँ पे आप आइसक्रीम जरूर खाना गाइस। अच्छी खुशी अच्छी की नहीं अच्छी कैसी है? ये तो खुशी हरी आइसक्रीम। तो चलो मैं थोड़ी सी आपसे बातें कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ा रीज का नज़ारा। देखो क्राउड, देखो भाई क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और आप देख रहे हो दिसंबर के मंथ में, दिसंबर के मिड में अब शिमला रिज का टूर स्पेशल टेलीकास्ट निखिल भाई हिमाचल। क्राउड देखो आप, और बहुत जल्दी यहाँ पे लाइव स्नोफॉल होने वाला। जी हाँ सही सुना आप, यहाँ पे लाइव स्नोफॉल होने वाला है। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल होता है आपका दिसंबर के एंड में और जनवरी और फरवरी में। और मौसम देखो, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और अगर आप लोगों ने न्यू ईयर और क्रिसमस को प्लान बनाया है शिमला आने का, तो ये क्राउड देख लो पहले। और यहाँ पे लगा है हिम एरा फूड कार्निवल। अगर आप लोग सोच रहे हो ना न्यू ईयर और क्रिसमस पे आने के शिमला, तो पहले ये क्राउड देख लो फिर अपना प्लान बनाना। और यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है वो मैंने आपको बता दिया ना कि दिसंबर के एंड में और जनवरी फरवरी में होता है। और शिमला मनाली टूर पैकेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं निखिल भाई हिमाचल से। और शिमला कुफरी नारकंडा टूर पैकेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैसे? निखिल भाई हिमाचल से। कैसे कॉन्टैक्ट करना? एक तरीका आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और मेरी जो मेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्राउड देखो, क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे बहुत सी गानों की, बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती है। और जो क्राइस्ट चर्च है हमारा वो है 200 साल पुराना है और इसको अंग्रेज़ों ने बनाया है। और एक खासियत इसकी मैं एक और बताऊँ आपको कि भाई इसको ऐसे पत्थरों से बनाया है ना जो अभी तक वैसे के वैसे ही वैसे ही है, सेम बिल्कुल वैसे ही है। और जब भी आप यहाँ पे आओ तो छोटी सी होर्स राइडिंग ज़रूर आप करना, मैं आपको यही बोलूँगा। और आज हमारी एनिवर्सरी है, आप लोग हमें विश कर सकते हैं। अभी गीत और खुशी आइसक्रीम खा रहे, मैं तो नहीं खाता आपको पता, क्योंकि मेरे को आइसक्रीम से ना दांत में लग जाती है। आइसक्रीम ठंडी वो होती ना बहुत ज़्यादा, तो दांत में लग जाती है, तो मैं नहीं खाता हूँ। खैरी खुशी ने अब कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे? कैसे खुशी ने आइसक्रीम खा ली, अब कहाँ जा रही खुशी? कहाँ जाएगी खुशू? ये चलो खा ली है, अब हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि हिम एरा फूड कार्निवल। वहाँ पे चलते हैं अंदर और वहाँ पे अंदर चल के हम देखेंगे कि अंदर चल के क्या क्या है। मेरे को भी नहीं पता अभी क्या क्या है। नहीं हाँ अभी लेंगे, अभी लेंगे। गाइस देखो खुशी को देखो, कितने का भैया? 50 वाला 100 वाला देख लो कि तू को ले चलते हैं अंदर। अंदर जाके बता लगे अभी क्यों है इतना रश। हाँ तो खाने के लिए तो हो गई गीत पूछ रही ना, गीत पूछ रही ना अभी तरस की हुई यहाँ पे। मैंने बोला के खाने के लिए और इन्होंने बोला खाने के लिए। लो जी सोलन, सबसे पहले हम कौन सी जगह पहुँचे? सोलन में। सोलन में पहुँचे हम,
सोलन, सोलन के क्या है फेमस है? क्या है? मक्की की रोटी भी, भी सरसों का साग, सिड्डू, और क्या है यहाँ पे साग सिड्डू का है यहाँ। और ये क्या लिखा है? सिड्डू ने लिखा है, नमकीन सिड्डू। सोलन का, ये भी सोलन का, सिर्फ और का चला के चला, चर्च चला के चला। और ये है सिरमौर, क्या है इसमें सिरमौर का? मिल्क सिड्डू है गाइस, अपने टेस्ट के लिए बोलेंगे तो मतलब कुछ खाते हो सिरमौर का, सिरमौर का भी सिड्डू बता रहे हैं। और दो जगह सिरमौर का लगा है कॉर्नर में, नुश्के प्लस राजमा प्लस देसी घी, ये होता है मेन सिरमौर। कहाँ है ये बताओ? मेरे को पता है ना हमारे, पर मेरे को तो मालपुए लगे देख के ऐसे। राजमा वैली पहाड़ी खाना रखे जाना। शिमला का क्या है गाइस? शिमला का है आपका नमकीन सिड्डू। अच्छा सिड्डू हर जगह ही है गाइस, वैसे यहाँ के बट फिर सारे बनाने, सारे बनाने लग गए। चल चंबा के घूम के आते, कि तो चंबा घूम के आते, चलो पर चंबा घूम गाइस मेरे बल्ब में कहा, चलो चंबा घूम के आते हैं ना। अब आपको दिखाते चंबा का क्या है, है? वहाँ पे ना नॉन वेज है ना चंबा का, तो हम वहाँ से आ गए। ऊना का है साग मक्की की रोटी लस्सी मक्खन, ये है ऊना का। और क्या है ऊना का? ये ऊना का है गाइस। कुल्लू का क्या है कि तू देखे? सिड्डू हर जगह मिलेंगे गाइस, सिड्डू तो आपको हर जगह मिलेंगे। अब हम पहुंच गए कहाँ? हम पहुंच गए कांगड़ा, कांगड़ी धाम। खाने की तू कांगड़ी धाम? कहाँ है कांगड़ी धाम? वहाँ है देखो कांगड़ी धाम, वहाँ पे कांगड़ी धाम और मंडी की धाम, लाहौल स्पीति बिलासपुर धाम। अरे एक प्लेट में होती है, दिया हुआ कुछ नहीं होता उसमें, एक प्लेट में दिया हुआ खाना। और देखो वहाँ पे देखो गाइस जो फूड कार्निवल लगा है ना, पर इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट की आपको अलग अलग जगह की, 12 डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग व्यंजन खाने को मिलेंगे आपको। बिलासपुरी धाम, कांगड़ी धाम, मंडियाली धाम, चंबियाली धाम, कांगड़ी धाम, सिड्डू, पतरोड़े, मक्की की रोटी, साग, लस्सी, मुच्छी का सूप इत्यादि शामिल है। ये सब कुछ आपको खाने को मिलेगा। साथ में आप सब जमीन है अपनी प्लेट को कृपया कूड़ेदान में रखें। हम तीनों यहाँ बैठे बैठे सोलन वाले ना क्या करे, खुशी कैसा है? अरे थोड़ा सा मक्की की रोटी, सरसों का साग, क्या खाना, कैसा है? मैंने सोचा ना आप गाइस ये ना अभी कुल्लू के पास है, कुल्लू कांगड़ा हमीरपुर मंडी सारे की जगह घूम गए, बिलासपुर सिरमौर भी गए, सोलन के लाए हटवीर के, हटवीर के अपने डिस्ट्रिक्ट के लेके आ गई है, सरसों का साग और मक्की की रोटी, खुशी है लो साग और मक्की, सरसों का साग और मक्की की रोटी। मैं बता मक्की की साग और सरसों की रोटी वो हमने खा ली है। और ये आपका जो फूड का नहीं बोला, ये चलेगा आपका 18 दिसंबर तक। तो जब भी आप शिमला आते हो तो आपको खाने पीने की टेंशन नहीं होनी चाहिए, शिमला रिज पे आओ। और यहाँ पे आपको ना 12 तरह के, 12 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिश खाने को मिलेंगे। और इनको लगी है मिर्ची यहाँ पे सरसों का साग खाते हो, डिस्ट्रिक्ट की 12×60 यानी कि 60 डिशे हो गया ना गाइस, 60 डिश आप खा सकते हैं यहाँ पे। हर जगह की मतलब हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, तो जरूर ट्राई करना यहाँ पे। हाँ गाइस सिड्डू ना अब तो ये भी बनाने लग गए, हम कल ही बना, हमने ना घर में शुरुआत कर दी, हम बनाते हैं सिड्डू ना, तो बहुत जल्दी आपको हम सिड्डू खिलाएंगे आने वाले फ्यूचर में। आने वाले फ्यूचर में ना हम आपको सिड्डू खिलाएंगे। हरे बाप आपको अच्छा लगा, आपने खाया कुछ? क्यों तो हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है आप लोगों ने देखा ही यहाँ से बाहर की तो खुशी कहाँ गए उन्होंने भाई, दिख नहीं रहे मेरे को कहाँ चले गए उन्होंने, आपको दिख रहे कहीं कहाँ गए हो? तो वहाँ खेल रहे, खुशी वहाँ पे खेल रही है। तो गाइस बहुत अच्छा मौसम, और अब बहुत अच्छा मौसम
अगर आप लोग आने के सोच रहे हैं तो आप लोग आ जाओ, और खाने पीने की टेंशन होनी चाहिए आपको 18 दिसंबर तक। यहाँ पे आपको 12 डिस्ट्रिक्ट की 60 डिश से भी ज़्यादा खाने को मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ से वापस। अब कहाँ जाएंगे अभी आपको बताते हैं, आप वेट कर लो। खुशी खेल रही, देखो तो मम्मा चलो चलो खुशी खेल ली, खुशी खेल ली। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पे बारिश होने वाली भाई, बहुत जल्दी। और लाइसन होली भी होने वाला है भाई। कुछ क्या लिया है आपने बताओ, कैसे? गाइस चलाने वाला मेरा बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है भाई, चलाने वाला मेरा बड़ा तगड़ा आर्टिस्ट है, क्या बात है। खुश हो आराम से गीत नानी पापा, आराम से मम्मा करेंगे। गाइस देखो खुशी और गीत कितने मजे कर, आप लोग भी इसी तरीके से मजे कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आके। ये देखो अब चलते हम यहाँ से वापस, और जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे शिमला की सबसे सस्ती मार्केट। आई हूँ इस व्लॉग में आपने बहुत इंजॉय किया होगा। खुशू आपको अच्छा लगा आके? क्यों नहीं लगा अच्छा आके? क्या करनी रही है? क्यों लगा अच्छा? खुशी को पूछते ना क्यों अच्छा लगा कि नहीं, बना करके मेरे को अच्छा लगा। तो अब मिलेंगे आप हमसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।